अष्टम श्रेणी रो समस्त भाई भौणी को आमर एही कंप्यूटर क्लास रे स्वागत। आज रो आमे कंप्यूटर क्लास स्टार्ट करियो जाउछु आउ एही क्रम रे आमे विभिन्न स्टेप रे माने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ए प्रकार विभिन्न वीडियो सब तमन को दिया जइबो त माने से वीडियो सब देखिबो आउ नोट सब तयारी करिबो। मु तमन को स्वागत करूछि मु प्रांत प्रमुख श्री रुद्र प्रसाद सिंह आचार्य ब्रज विहार। तो प्रथम हमें हमर टॉपिक स्टार्ट करिया पूर्वरु हमें प्रथम जानि रखे जे कि हमें समस्तक माने ह्यूमन बॉडी या समस्तक बॉडी रे हमें एंति गुटे पार्ट अछि जोटा को हमें निश्चित भाव बहुत एसेंशियल पार्ट बाकी तो पार्ट हमको दरकार ठीक अछि आखी नाक कान ए सब को दरकार किंतु आमे एंती उटे पार्ट अछि जहां बिना आमे बथे मो क्लास भी किछि काम देबो नहीं या तो माने जो मो वीडियो टा को देखु छ तो मान कर भी किछि काम रे आसीबो नहीं ये वीडियो। ओके होप सो तो माने से पार्ट को गेस करि पारथिबो दैट इज ब्रेन। तो जदी मो पाखरे ब्रेन न थांता ताहेले मु होय तो तुम मान को ई क्लास नै पारि न थांते और तुम माने भी मो क्लास को किछि बुझी पारि न था। तो आज हम देखिबा जो टॉपिक हमें 8 क्लास रो कंप्यूटर बही रो प्रथम पाठ नै छी देखि परतबा टॉपिक कंप्यूटर मेमोरी 8 क्लास पर दिया छी। ओके तो प्रथम हमें टॉपिक को जीवा पूर्व प्रथम हमें देखिबा जे कंप्यूटर जते हमें मनुष्य रो जदी उडे मेमोरी थाए कंप्यूटर रो मेमोरी बुद्धि जोटा मोडर थाए सेठी से सब जिनिस टाकु स्टोर करे त माने जानि थिबो जे हमें आज जदी किछि कथा हमें देखु जो या फील करु जो हमें ताको बहुत समय परे भी से कथा को हमें मने रखि पारि छु काहे कि एटा संभव होची ओनली बिकॉज ऑफ आवर ब्रेन बिकॉज वी हैव ए ब्रेन इन आवर हेड। सो जेहेतु हमर मुंड रे गोटे ब्रेन अछि ए ब्रेन इज अ डिवाइस सो ए डिवाइस द्वारा हमें बहुत कथा को मने रखु छु। तो ए जो मने रखा प्रक्रिया जते हमें गोटे मेमोरी रखु छु तो कोन कंप्यूटर से प्रकार किछि अछि कि जोटि से कंप्यूटर मने रखु एटले को प्रकार डिवाइस अछि जोटि कंप्यूटर रे सब कथा को मने रखु कंप्यूटर केते इन्फॉर्मेशन स्टोर। तो स्टूडेंट माने हमें सेयार्ड को जीवा आगरु माने टॉपिक मो भीतर को जीवा पूर्वरु तमन को पई मो गुटे कंप्यूटर रो प्रथम हमें स्ट्रक्चर को देखिला दरकार जदे हमें कंप्यूटर स्ट्रक्चर को बुझिबा नहीं ताहेले माने जहां कहले भी तमन को बुझा जइबो नहीं। जदि मु तमन को मनुष्य विषय रे डिस्कशन करू जे ताहेले तमन मनुष्य देखिथिबा निहाति दरकार जे ये गुटे मनुष्य ये तार हाथ गोड ये तार मुंड ए सब तमन को जानिबा दरकार ठीक सेंती हमें जदि कंप्यूटर मेमोरी विषय रे पढु छु ताहेले ता पूर्वरु हमें कंप्यूटर रे विभिन्न पार्ट्स मान को एटलीस्ट हमें जानिबा दरकार। तो हमें बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम हमें देखि परतबा ये हला होए मॉनिटर पाके की साइड आसी मॉनिटर का हमें ऑलरेडी जानि छु सीपीट किंतु हमें कंप्यूटर एसे गो पार्ट देखिबा जोटा कि हमें पूर्वरु केबे देखि छु किंतु हम तार इनसाइड कथा केबे बुझि पर देखि परबो ये जो पार्ट हम पाखरे रखी छी एटा हला गोटे सीपीयू एटा को हमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू बॉक्स कहि बेटा एक्चुअली टेक्निकली ता भितरे माने एटा सीपीयू बॉक्स एक्चुअली टेक्निकली एटा सीपीयू रो बॉक्स किंतु सीपीयू टा ता भितरे थाए मु तमन को देखे भी कोट असे सीपीयू। तो प्रथमे आज हमें ये मेमोरी टॉपिक जीवा पूर्वरु आगे प्रथमे हमें सीपीयू विषय जान बिकॉज़ जहां भी हमें चिंता करबा सब जको ए भितरे ही स्टोर हेगिरी थिबो बा एटा भितरे ही रहउछ। तो प्रथमे हमें एटा को भल भाबे चिन्हिबा तो एटा खोलिबा के देखो तो प्रथम हमें जदि सीपीयू को देखिबा तारे ए ये हला सीपीयू रो बैक साइड माने पछो पार्श्व ये पछो पार्श्व रे देखिबा के स्क्रू लागि छै ठीक स्क्रू एथि उडे स्क्रू लागि छै एटा को हम स्क्रू ड्राइवर से जे खोलिबा ये पूरा पैनल ता बाहरी बाहरला पोरे तर भितरे एक मदर बोर्ड है सब तमन खोली जेबी को हमें जदि खोलिबार अछि ताले ये देखि पार्थु सीपीयू ताले एटा को प्रथमे हमें ये देखि पार्थु ये जो होल अछि एथि प्रथमे हमें स्क्रू ड्राइवर लगेबा एथु अब देखो रिवर्स खुले ये खुली गुटन स्क्रू खोल आ
आगुरा सु लोअर पोर्शन रे थे देखि ताको म खोलु छी एक प्रकार दिस स्क्रू खोल दे खोला परे पेनल पर बाहर कर के पेन दे छी स्क्रू ड्राइवर ए प्रकार आपले दे इटा को टाणी दे देखो जी इटा ठीक टाणी कर पेनल बाहर हला ये जो पेनल बाहर ला पर देखो एटा सीपीयू रो पछ साइड पछ पार्श्व पेनल काढी देला पर भूल भूल साइड काढी दे ए पोटे काढी बस ए पेनल टाक रिवर्स पर ए पोटो काढी पेनल टा काढू छी ओके पेनल रो स्क्रू काढी ए पेनल टा जदी मुक्ति पोटो काढी देखो ये ए हला ओटा सीपीयू रो इनसाइड स्ट्रक्चर देखि पाछो ए सीपीयू रे हमें देखि पाछो बारे को स्लाइड में देखो एटा रा जो सीपीयू एडी देखि पाछो विभिन्न प्रकार के डिवाइस अछि हला ए पूरा टा एटा एसएलडीएस माने करंट जो की पावर सप्लाई अछि ए पूरा टा गोटे सीपीयू तो एटा को हम के डिटेल त मान को देखि एटी वर्तमान पूरा रखि लेब तार ऊपर हम के डिटेल बुझिबा जे सीपीयू टा केदि रहे कोन स्ट्रक्चर कोन ता पे हम जानि ला ये पूरा टा सीपीयू रो गोटे मोस्ट एसेंशियल पार्ट एटा को हम मदरबोर्ड कहू छु मदरबोर्ड या सिस्टम बोर्ड को कहा जाए एटा सीपीयू रो सब रो मुख्य पार्ट ना एटा मदरबोर्ड या सिस्टम बोर्ड ता ऊपर हम टिके डिस्कशन कर दे ए मदरबोर्ड या सिस्टम बोर्ड को जेतला हम देखु छु ए पोर्शन देखो जो ग्रीन कलर जोटा हिची ए पोर्शन टा एटा ना तो मान कर सीपीयू जो पैनल लागे था यदि हमारे को जो टाणी बा एंदी उल्टे दो एटा सीपीयू बाहर आसे देखो एटा सीपीयू टा बाहर आसला एक्चुअली एटा हला सीपीयू हम जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सब करे जो कहू छु ये छोटिया डिवाइस हला सीपीयू एटा टिके पुरना कालिया सीपीयू माने पुरना जमाना रे दी आसतिला आज कल सीपीयू टा आउरी टिके छोटो आसे आउ भी टिके छोटो आसे तर तो एटा हम एठी एंदी अटैच करि पाइबे ई पाखे एक होल वाला छै देखि पाछु ई होल मान करबे सब लगे तो मुझे तो सीपीयू को अधिक रखी देखा कारण आटा पुश कर आतार उपर गोटे फैन लगे सीपीयू फैन लगे ये काढ़ी देखा तो ये मदरबोर्ड और मोस्ट एसेंशियल एटा ही कंप्यूटर जानते ए चलला मैं सब चल ओके ये आम के जिस विषय में टिके खाली जाणीदे ये देखो आम जिते सब डिवाइस बना सब ये अटैच है पचाटे देखिपु ये सब विभिन्न पोर्ट अच्छे या कनेक्शन पॉइंट अच्छे यहाँ देखी पार्थ यूएसबी पोर्ट दुईटा यहाँ इथरनेट मैंने लेन पर यूज कराए है इंटरनेट पर प्रिंटर यूज कराए ये जो ब्लूटा देखी पार्छू यहाँ मॉनिटर पर यूज कराए यहाँ माउस कीबोर्ड पर डायग्राम दे दीजिए पूराटा सीपीयू पछवाड़ को देखा जाए आठ आम सब अटैच करवा ओके पूरा सीपीयू रे जो मैंने जो पूरा मदरबोर्ड रे ये पार्ट जो ब्लैक हिल जो पार्ट अच्छे ये रैम लगे रैम मुझे रैम विषय में डिस्कशन कर देख ये जगह देख ये जो चिप टाइप लगे देखी पार्टी गोटे चिप है चिप मान आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट यहाँ को रोम चिप कह आगे देखे दे तुम को यहाँ रोम चिप ये जो पूरा ब्लैक देखा यहाँ रोम चिप ये सब जाक मदरबोर्ड लगे तापर ये मदरबोर्ड में आज डिवाइस देखुची मदरबोर्ड सा ये देखो ये है गोटे हार्ड डिस्क ये भी आम इनफर्मेसन सब स्टोर करवा ये जहाँ भी इनफर्मेसन तुम स्टोर कर हार्ड डिस्क को आम खोल कर भी देखा मुझे तुमको पर देख तो ये हार्ड डिस्क ये भी कंप्यूटर अटैच हे ओके आम मान फ्लॉपी मैंने ये भी कंप्यूटर गोटे डिवाइस ये बड़ फ्लॉपी छोट फ्लॉपी ये भी आम पर डिस्कसन कर रैंडम एक्सेस मेमोरी जोटा कि ये भी कंप्यूटर इनफर्मेसन मैंने थाए एटा भी आम पर डिटेल डिस्कसन कर तो ये प्रकार आम कंप्यूटर पार्ट्स मानक विषय आम ये देख तो ये जो पार्ट्स मानक मिसेकर ही आम सीपीयूटा बनाऊे या आम मेन कंप्यूटरटा बने आते ये सब इनफर्मेसन मैंने जहाँ आम भितर फिड करूँ बट से इनफर्मेसन मदरबोर्ड रे रहे या से जो आम देखिलु जहाँ पूरा बोर्ड रे कौन से जगह इनफर्मेसन रहे एंड इवेन सीपीयू रे भी रहे ताले इनफर्मेसन कौ जगह थाए तुम जान इनफर्मेसन सब किसी डिवाइस मानक थाए
से डिवाइस को हमें कहूँ मेमोरी या मेमोरी डिवाइस। तो बर्तन आम टपिक आगे जावा किए से डिवाइस आ इनफर्मेसन तारे के फास्ट प्रथम आम देखा जो मेमोरीटा कौन प्रथम देख ये आम क्लीयरली लिखाई मेमोरीटा है इज ए पार्ट अफ द कंप्यूटर व्वेर इनफर्मेसन स्टोर इज कल मेमोरी डिवाइस अर्थात कंप्यूटर से ही पार्ट जो इनफर्मेसन मैंने स्टोर कराए आम कौ मेमोरी जैसे आम मुंडर से ही पार्ट जो आम इनफर्मेसन स्टोर करें ब्रेन कौ ठीक से कंप्यूटर से पार्ट कौ मेमोरी डिवाइस दैट पार्ट इज अ डिवाइस ओके एंड द इनफर्मेसन स्टोर इन द मेमोरी इज ए मेमोरी कैन बी चेंज और रिमूव अर्थात कंप्यूटर मेमोरी रे आम दरकार बेले इनफर्मेसन दे रखिपर दरकार बेले इनफर्मेसन को डिलीट या काढ़ी भी पार से मेमोरी बेसिकली ए स्टोरेज प्लेस ऑफ द कंप्यूटर अर्थात कंप्यूटर मेमोरी आम कहीपर ये है गोटे स्टोरेज प्लेस अर्थात स्टोर करने गोटे जगह मानने जो आम कंप्यूटर मैंने आम इनफर्मेसन को कंप्यूटर जो पार्ट्रे स्टोर करें मेमोरी एंड मेमोरी जेनराली डिवाइडेड इनटू टू टाइप पुणी आम देखा से मेमोरी को पुणी आम दुई प्रकार मेमोरी आम चिंता करते तो मैंने गोटे स्मॉल एग्जांपल नि देखिथ तुम्हें किसी कथ को क्लास रे सुनी सुनी ही आम मन रख जैसे धर मुझे भिडियोटा देखुचे तुम खाली भिड को देख आम मन रख ये गोटे प्रकार हो पाए किसी भाई भाई कौन करती कथा को देखा समय लिखि भी नि देख तुम गोटे खातार लिखि पक तो खाता जो आम लिखि दूचु तुम देखी था तुम मानने पर भी तुम इसी पढ़ी पार आज धर तुम गोटे कथ को सुनी सुनी मन रखु मे भी हो पारे तुम से कथाटा को भूली भी जा पार कि आम जहाँ लिखि देचु से लेखाटा जेनरली आम भूलुनु से खाता को जब आम देखिपर तुम फेर थे मन पक तो ये आम कहीपर जो खातार आम जहाँ लेखा है से गोटे प्रकार लंग टर्म मैंने बहुत दिन पर्यंत से हाँ हो पाए टर्माइट या उई खाईदेला या पानी पड़गला से पक्ष कथा पारे कि खातार जहाँ लेखा है से आम बहुत दिन पर्यंत संरक्षित रखिपर या आम पर मन पकईपर कितु हो पाए आम ब्रेन में जहाँ रखुचु मे भी आम गोटे दुई दिन पर भूली जापर या मसे पर भूली पार कि खातार मुझे जहाँ लिखिली से बर्ष बर्ष पाई से रही पार आम आराम पढ़ी पार कि ब्रेन में जहाँ रहा सी मे भी आम पर भूली जापर तो से हिसाब से देखिले आम दुई प्रकार कहीपर जो गोटे टेम्पोरारी रही आ गोटे परमानेंट रही है आम मुंडे आम जहाँ शुणी शुणी मन रखुचु या ब्रेन में जस्ट टेम्पोरारी रखुचु से टेम्पोरारी हो पाए मैंने एवं थर मोर मन अच्छे कितु दुई तीन मिनिट पर या गोटे दिन पर मे भी भूली पाए कि खातार लिखिदेलु से पूरा बहुत दिन जाए रहा तो सिंपल वे कह से परमानेंट ये है टेम्पोरारी मेमोरी तो ये प्रकार जब आप कंप्यूटर जो मेमोरी टेम्पोरारी और खातार लिखा जी परमानेंट है ठीक से या लंग रन आम मन रखिपर तो ठीक से कंप्यूटर भी ये आधार में कंप्यूटर मेमोरी को आम दुई प्रकार भाग कर तो ये कौन कौन से देख गोटे मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी आउ रहा मास मेमोरी और सेकेंड तुम जान थोड़ा गोटे मेमोरी थी जी कि बहुत एसेंशियल थी तुम गोटे चिंता कर तो मन कर मनिषाई ब्रेन दरकार कि से खाता दरकार जो तुम लिखिक मन पक खाता ना चली पाए तुम खाली ब्रेन में मन रख मैंने ब्रेन में रखीदेले भी हो पाए कि तुम कह नहीं मत खाता दरकार मो ब्रेन टा नहीं गले भी चलो ब्रेन टा काढ़ रखी था कि मत खाता निहाती दरकार हो पार नो यटा ही खाता ना चलो किंतु कंप्यूटर ब्रेन ना चल पार ना तो ये आम कहीपर जो ब्रेन है गोटे प्राइमेरी ये निहाती नेसेसरी से सेकेंडरी ठीक से जान था जो मेन मेमोरी जो मैंने कंप्यूटर पर निहाती दरकार से मेन मेमोरी प्राइमेरी मेमोरी कितु जो मास मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी यहाँ आम एक्सट्रा व्यवहार कर जेहेतु आम सब कथा प्राइमेरी मेमोरी या मेन मेमोरी आम स्टोर करें मुंडर ब्रेन रे सब कथा स्टोर करें खातार व्यवहार कर खातार किसी लिखीदेला मैंने से बहुत दिन जाए रही ठीक से कंप्यूटर में जेहतु मेन मेमोरी और प्राइमेरी मेमोरी कथा को बहुत दिन पर रखिपर ना से कौन कै गए अलग प्रकार मेमोरी आसे से मास मेमोरी या कौ सेकेंडरी मेमोरी तो ये जो मास मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी ये इनफर्मेसन मैंने बहुत दिन पर स्टोर हुए तो मुझे डायग्राम मैंने पिक्चर तुमको देखे
ଏଇ ଭିତରେ ଦେଖ ଏ ଯେଉଁ ଏଇଟା ହେଲା ରାମ ରାମ ମୁଁ ଏବେ ଯେଉଁଟା ଦେଖେଇଲି ରୁମ୍ ଏଇ ଭଳିଆ ରୁମ୍ ଚିପ୍ ଚିପ୍ଟା ମଦର ବୋର୍ଡ଼ରେ ପ୍ରାୟ ଲାଗେ ଏଇଟା ହେଲା ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କ ଏଇଟା ହେଲା ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଏ ହେଲା ଏ ବି ଗୋଟେ ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କ ଏ ଏସ୍ ଏସ୍ ଡି ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ମାର୍କେଟରେ ଚାଲୁଛି ଏସ୍ ଏସ୍ ଡି ମାନେ ସଲିଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଡିସ୍କ ମୁଁ ପରେ ତାର ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଏଇଟା ହେଲା ଫ୍ଲପି ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି ଏଇଟା ସି ଡି ଆଉ ଏ ହେଲା ରାମ୍ ଏଗେନ୍ ସେ ରାମ୍ ଏକା ତ ଏସବୁ ଯାକ ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମେରୀ ମେମୋରି ଆଉ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମେମୋରିରେ ଯାଉଛି ତେବେ କନଫର୍ମ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଦରକାର ଯେ ଆର ଭିତରୁ କେଉଁଟା ପ୍ରାଇମେରୀ ଆଉ କେଉଁଟା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମୁଁ ଏଠି ସର୍ଟରେ କହିଦେଉଛି ଏଇଟା ସବୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ମେମୋରି ରାମ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ମେମୋରି ବାକି ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଏସବୁ ଯାକ ଆମମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମେମୋରି ଡିସ୍କସନ୍ ଆସିବ ପୁରୀ ହେବାର ଓକେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏ ମେନ୍ ମେମୋରି କ'ଣ ମେନ୍ ମେମୋରି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଜି ଆମେ ମେନ୍ ମେମୋରି ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଆଉ ମେନ୍ ମେମୋରି ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବା ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମେନ୍ ମେମୋରିକୁ ଯିବା ତ ଦେଖିବା ଯେ ମେନ୍ ମେମୋରି ସବୁବେଳେ ଇଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ଚିପ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ମେନ୍ ମେମୋରି ମୁଖ୍ୟତଃ ଚିପ୍ ମାନଙ୍କର ଉପରେ ଥାଏ ଏଠି ଚିପ୍ କହିଲେ ଆମେ ହେ ଶସ୍ତା ସେ ଚିପ୍ ବାଲା ଚିପ୍ ନୁହେଁ କି ଏଠି ଆଲୁ ଯେଉଁ ଚିପ୍ ସେ ପ୍ରକାର ଚିପ୍ ନୁହେଁ ଏଠି ଚିପ୍ ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ଆଇସି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ସର୍କିଟ୍ କୁହାଯାଏ ଆଇସି ଏ ପ୍ରକାର ଆମେ ଦେଖିଯିବା ଏଇଟା ଆଇସି ମାନେ ଏଇଟା ତା'ର ପିନ୍ ସବୁ ଲାଗିଥିବ ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁ ପିନ୍ ଥାଏ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଆଇସି ବା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ସର୍କିଟ୍ ଏ ଯେଉଁ ଆଇସି ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚିପ୍ ଏଇଟାକୁ ହିଁ ଚିପ୍ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁଟାକି ସିଲିକନ୍ ଚିପ୍ ବି କୁହାଯାଏ ଏଇଟା ସିଲିକନ୍ରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ତ ସେଥିରେ ସିଲିକନ୍ ଚିପ୍ କୁହାଯାଏ ଏ ଯେଉଁ ଆଇସିଟା ତ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ମେନ୍ ମେମୋରି ସେ ରାମ୍ ହୋଇପାରେ ୟା ରୋମ୍ ହୋଇପାରେ ତାକୁ ଡିଭାଇଡ୍ କରାଯାଉଛି ତ ଏମାନେ ସବୁ ଏ ଆଇସି ଉପରେ ହିଁ ତିଆରି ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟା ହିଁ ସେ ମେମୋରି ଆଇସି ହେଲା ମେମୋରି ଆମର ଚିପ୍ ଦେନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଟା ନିଡ୍ ବାଇ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ ଆର୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଦିସ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଦିସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଏତାର ଭିତରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯାହା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦରକାର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଇଁ ୟା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଷ୍ଟୋର୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସବୁ ଏଇ ଭିତରେ ହିଁ ଷ୍ଟୋର୍ କରାଯାଏ ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଆଜ୍ ମେନ୍ ମେମୋରି ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ମେନ୍ ମେମୋରି କହୁଛୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସବୁ ସେ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଷ୍ଟୋର୍ କରିପାରୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ନ ଷ୍ଟୋର୍ କରୁଛୁ ୟା ନ ରଖୁଛୁ ତାହେଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ ସ୍ପେଶାଲି ରୋମ୍ଟା ନିହାତି ଦରକାର ରାମ୍ ବି ଦରକାର ତ ଏ ଦୁଇଟା ନିହାତି ଦରକାର ହେଲେ ଏ ଦୁଇଟା କେଉଁ ମେମୋରି ଥିବ ଏ ପ୍ରାଇମେରୀ ମେମୋରି ସୋ ପ୍ରାଇମେରୀ ମେମୋରି ଇଜ୍ ଭେରି ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ଫର୍ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦେନ୍ ୱେନ୍ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନିଡ୍ ଡେଟା ଫ୍ରମ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଦେନ୍ ଦ ଡେଟା ଫ୍ରମ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଆର୍ ଲୋଡେଡ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ପ୍ରାଇମେରୀ ମେମୋରି ଆଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ ବାଇ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟା ହୁଏତ ଟିକେ ତୁମକୁ ବୁଝିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପରେ ବି ତାର ଉପରେ ଡିଟେଲ୍ ଦେବି ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍କୁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମେମୋରିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଷ୍ଟୋର୍ କରୁଛୁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମେମୋରି ହେଲା ଗୋଟେ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ମେମୋରି ତ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମେମୋରିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍କୁ ରଖୁଛୁ ଯେତିକି ଧର ତୁମେ ଗୋଟେ ଡ୍ରଇଂ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଲୋଡ଼୍ କରିଥିବ ସେଇଟା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମେମୋରିରେ ଷ୍ଟୋର୍ ହୋଇଥାଏ ମାନେ ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କରେ ଷ୍ଟୋର୍ ହୋଇଥିବ ତ ଯେତେବେଳେ ଧର ସେ ତୁମକୁ ଦରକାର ମନେକର ଧର ତୁମେ ଆଜି ଡ୍ରଇଂ ଗୋଟେ ବସିକି କରୁଛ ତ ଯେମିତି ତୁମେ ଡ୍ରଇଂ ଓପନ୍ କରୁଛ ତ ଡ୍ରଇଂଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମେମୋରି ମାନେ ତୁମର ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କରୁ ଓପନ୍ ହୋଇକରି ଆସିକରି ତୁମମାନଙ୍କ ରାମ୍ ମେମୋରିରେ ଲୋଡ଼୍ ହେବ ତୁମେ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ଟ୍ରିକ୍ କହୁଛି ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ଆମେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମେମୋରିରେ ଆମେ ଯାହା ବି ଦେଖୁଛୁ ସବୁଯାକ ଆମେ ରାମ୍ ମେମୋରିରେ ହିଁ ଥାଏ ତ ସେଥିପାଇଁ ରାମ୍ଟା ବହୁତ ଦରକାର ବହୁତ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ରାମ୍ ଯଦି କମ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ଦେଖିବ ତୁମର ଡିଭାଇସ୍ ସବୁ ହ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ହୋଇଯିବ ପ୍ରାୟ ମୋବାଇଲ୍ ମାନେ ଦେଖ ହ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ହୋଇଯାଏ ମଝି ମଝିରେ କାହିଁକି କାରଣ ରାମ୍ ମେମୋରି ସ୍ଲୋ ଥିଲେ ସେ ହ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ହୋଇଯିବ ସିକ୍ସ ଆଦି ସିପିୟୁ ବି ସେତି ହ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ହୋଇଯାଏ ତୁମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବି ହ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ହୋଇଯିବ ଯଦି ରାମ୍ ମେମୋରି ସ୍ଲୋ ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ବି ହ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ହୋଇଯିବ ତ ଏ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟଟା କହିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯଦି ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛୁ ଧର ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଡ୍ରଇଂ କରୁଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରଇଂଟା ଓପନ୍ କରୁଛି ସେ ଡ୍ରଇଂଟା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମେମୋରିରୁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ରୁ ସେଟା ଆସିକରି ରାମ୍ ମେମୋରିରେ ଲୋଡ଼୍ ହେବ ସୋ ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ତାକୁ ଦେଖିବି ୟା ମୁଁ ତାପରେ ଡ୍ରଇଂ କରୁଛୁ ବୁଝିପାରିବେ ପଏଣ୍ଟଟା ହୋପ୍ ସୋ ବୁଝିପାରିବେ ଦେନ୍ ରିଟ୍ରାଇଭାଲ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଇଜ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ଲି ଫାଷ୍ଟର୍ ଦେନ୍ ଫାଷ୍ଟର୍ ଇନ୍ ମେନ୍ ମେମୋରି ଅର୍ଥାତ୍ ମେନ୍ ମେମୋରିରେ ବହୁତ ସ୍ପିଡ୍ରେ ଡେଟା ଆସେ ମାନେ ଏଇଟା ଡେଟା ଆସେ ୟା ଡେଟା ଯାଏ ଦେଖ ତୁମେ ଡବଲ୍ କ୍ଲିକ୍ ମାରୁ ଟିକେ ସ୍ଲୋରେ ବାହାରିବ କି ଫଟାଫଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଓପନ୍ ହୋଇଯାଏ ତୁମେ ଦେଖିବ ଡ୍ରଇଂକୁ ତୁମେ ଡବଲ୍ କ୍ଲିକ୍ କର ଫଟାଫଟ ଡ୍ରଇଂ ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ ଏତେ ସ୍ଲୋ ହୁଏନି କାରଣ ଏଇଟା ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟରେ ଡେଟା ଆସିବ ହେଲା ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଟୁ ଟାଇପ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଏବେ ମଝି ମଝିରେ ଦୁଇ ତିନି ଥର ସେ ୱାର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ କରି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ମେନ୍ ମେମୋରିକୁ ପୁଣି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାହେଲା ଯେଉଁଟାକି ରାମ୍ ଆଉ ରୋମ୍ ମୁଁ ଦୁଇ ତିନି ଥର କହିଯିବି ସେ କଥା ହେଲା ଦେଖିବା ସେ ୟେସ୍ ଦିସ୍ ରାମ୍ ଆଣ୍ଡ ରୋମ୍ ମେମୋରି ତ ତୁମମାନଙ୍କର ପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଫଟୋ ବି ଦେଇଦେଇଛି ଏଠି
ये देखी पर थोड़ी सी रैम मेमोरी इधर रैम जो टिका अगर मैं देखी थी वो तो प्रैक्टिकल तो मैं तो देखो इसको कैसे रैम ये देखो इधर ना रैम सेम ठीक है ये रैम ची चला इधर ना रैम आउट ऑफ रूम रूम इधर मदर बोर्ड ऊपर था इसलिए कि मुझे मदर बोर्ड देखे पहले इधर देखो इधर ना रूम ये जो वाइट है ये लाइट है देखो ये ठीक ये इधर ना रैम ची ये सॉरी रूम इधर ना रूम ची ना तो एक प्रकार रैम एंड रूम दुई प्रकार पर डिवाइड करा हुआ है तो प्रथम में हम देखिबा ये जो रैम और रोम विषय है हमें आउट के डिटेल पढ़िबा पूर्व रु हैला हमर बहिरे तो बहुत बढ़िया दे छी हमें डिटेल रे ताको पढ़िबा तो जेहेतु इटा हमर स्टार्टिंग क्लास तो इठी हमें टिके क्लास को शॉर्ट एका रखिबी हैला तो इठी प्रथमे हमें रोम और रोम रो रैम और रोम रो डिटेल बुझिबा पूर्व रु मो तमन को तारे सिंपल डिफरेंस आगो बुझे दु छी रैम और रोम रे कोन डिफरेंस छै अगेन हम चित्र रे देखबा तो रैम एंड रोम तो दुई जने जाको एका को मेमोरी रे जिबे दे टू आर मेन मेमोरी यस दे आर मेन तो देखिबा हम ताकर कोन डिफरेंस छै देखो हम सामने रे स्लाइड रे आसी गेला जे कोन डिफरेंस देखो रैम रे हम देखिबा प्रथमे वोलेटाइल ले छै इट इज अ वोलेटाइल मेमोरी इट इज अ नॉन वोलेटाइल तो वोलेटाइल माने कोन प्रथम तो कोन छै आकि तो आथर डिस्कशन रे आसी वोलेटाइल माने वोल्टेज ओरिएंटेड अर्थात रैम टा वोल्टेज ओरिएंटेड सिंपल वे रे कहले रैम रे जते पर्यंत तमे कंप्यूटर रे करंट थिबो रैम मेमोरी रे जहां इंफॉर्मेशन थिबो से सेति पर्यंत थिबो जेंती लाइट चली गला माने जेंती करंट चली गला से मेमोरी लीक हो जाए या मेमोरी टा चली जाए सेति पर ताको कह जाए वोलेटाइल मेमोरी किंतु रोम टा नॉन वोलेटाइल माने एथि लाइट थिले भी से मेमोरी रे थिबो लाइट चली गले भी मेमोरी रे से इंफॉर्मेशन का सब थाए सेति पर इंफॉर्मेशन लॉस होए नहीं रोम रे सेति पर एडा को नॉन वोलेटाइल कह जाए तापर समझ आसीबा इट इज अ रीड राइट मेमोरी अर्थात रैम रे हमें इंफॉर्मेशन देई पारिबा इंफॉर्मेशन काढी पारिबा रीड राइट करि पारिबा अर्थात जाई पारिबो आसी पारिबो इंफॉर्मेशन किंतु रोम रे देखि पछि रीड ओनली मेमोरी अर्थात इंफॉर्मेशन हमें एथि यूजर हिसाब से दे पारिबा नहीं किंतु फैक्ट्री बन करे या जो भी कंप्यूटर तैयारी करे से माने इंफॉर्मेशन ता भीतर फीड करि परबे किंतु जनरल पीपल हिसाब से हमें जनरली रोम को माने ओनली खाली रीड करू सेति पर तार ना दियाला रीड ओनली मेमोरी माने हमें रोम रो इंफॉर्मेशन हमें ता भीतर ज्यादा माने एंट्री करि परबा नहीं हमें ओनली इंफॉर्मेशन को खाली रीड करि परबा सेति के एथि रीड ओनली मेमोरी को इट लॉसेस द डेटा स्टोर इट व्हेन द पावर इज ऑफ ए पॉइंट को बुझाय छ तो एथि जेतेले पावर लॉस हो जाए या पावर चली जाए डेटा टा लॉस हो जहां डेटा ता भीतर स्टोर हो से डेटा चली जाए कि तो एथि डेटा इनसाइड इट रिटेन व्हेन इफ द पावर सीपीयू इज गोज अप या जेतेले पावर सीपीयू टा बंद हो जाए या पावर बंद हो सीपीयू को सेते बेले भी से इंफॉर्मेशन रोम रे थिबो इंफॉर्मेशन लॉस हेबो नाही इट इज अ टेम्पररी मेमोरी जेते मु कहली जेतु इंफॉर्मेशन किछि समय पय थाय लाइट चली गेलै या सीपीयू जेते हम बंद कर देबा इंफॉर्मेशन चली जाय सेते पय एटा टेम्पररी किंतु एटा परमानेंट एठी फिक्स इंफॉर्मेशन थिबो से लाइट थाउ लाइट न थ जीवो नै इट इज कॉस्टलियर देन रोम अर्थात रैम टा टिके कॉस्टली पड़िबो रोम टा चीप या चीपर तो एठी एथि पय जे रोम टा जेहेतु ऑलरेडी मदरबोर्ड रे लागि गिर आसे तमको एक्स्ट्रा किनिबार दरकार नै आ जदी भी एक्स्ट्रा धर कंप्यूटर यदि खराब हो जाए एक्स्ट्रा बेले बेले लागे किंतु सेटा भी बहुत सस्ता पड़े किंतु रोम रैम टा ये कॉस्टली है हमें रैम एक्स्ट्रा लगे पाइबा हमें जिते इच्छा चाहते जिते अधिक रैम लगे पाइब किंतु रोम टा तुम ये सहज लगे पारि ना तार गोटे बहुत मानने बहुत टेक्निकाली से लग जाए बट आम जनरल पीपुल या किसी जेनराल मेकानिक से करें ना है तो मेके मैंने बहुत डीप से सोल्डरिंग कराए से आम जेनराली लगे पारा ना दे तो सारा टेक्निकल कथा इट कैन होल्ड ए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एज कंपेयर टू रोम अर्थात रैम रे बहुत इनफर्मेशन स्टोर हो पार मैंने केते जीबी ऑफ इनफर्मेशन 2 GB 4 GB 8 GB रैम से बस मैंने चिंता कर कैसे इनफर्मेशन ता भितर आम रखी पड़े जिते प्रोग्राम तुम खोलु सब जगह रैम किंतु रोम टा ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इनफर्मेशन या स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा ही तारे रहे तार मेमोरी ज्यादा न थाए कम मेमोरी ठीक इट इज फास्टर इट इज बहुत फास्ट डेटा ट्रैवल टिका ग्रह इट इज स्लो रोम टा स्लो रही
हला ठीक है लो स्पीड रे को डेटा इन रैम कैन बी मॉडिफाई इजीली अर्थात रैम रो डेटा को मैं चेंज कर पर मॉडिफाई किंतु एटा को इट इज वेरी हार्ड हला इट कैन बी हार्डली और नेवर बी मॉडिफाई अर्थात एटा को मैं सहज रे चेंज कर परबा नहीं और पाखा पाखी नियरली इट इज नॉट पॉसिबल हमें जनरल पीपल हिसाब हम एटा को चेंज कर परबा नहीं तापर लास्ट आसला जे इट इज यूज इन द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर एट नॉर्मल ऑपरेशन अर्थात हमें कंप्यूटर रे जदी किछि लिखु छु टाइप करू छु ड्राइंग बनाऊ छु ए केसेस मान कर हमें रैम मेमोरी यूज करू छु किंतु रोम तक के तबे यूज करा जाए इट इज यूज प्राइमरीली इन द स्टार्टअप एक्सेस ऑफ कंप्यूटर अर्थात जितर हम कंप्यूटर को स्विच ऑन करू छु देखिबो कंप्यूटर किछि ब्लैक स्क्रीन रे किछि किछि लिखे से सब जक रैम सॉरी रोम मेमोरी रे ही थाय तुम जानि छरा रोम रु सेटा एक्चुअली कंप्यूटर लोड करा जाए अर्थात हमें जो बूट को जो कंप्यूटर जो बूटिंग कहा जाए सेती बेले ए रोम मेमोरी हमको हेल्प करे ठीक है एटा हमें खाता रे लिखि देबा रैम और रोम बीच रे डिफरेंस एटा हमर बही रे नाही तो ए हिसाब रे हमें लिखि नै थिबा हम बहुत काम रासे आकु रैम और रोम को आर्टिकल बुझिबा भाई एक पॉइंट सब काम रासे जे तुम आज ऑलरेडी कहिथिली जे आज ए क्लास तक हमें ज्यादा लॉन्ग करिबा नाही तो एतकी रे थाउ इन्फॉर्मेशन ता हमें नेक्स्ट क्लास रे अधिक टिके रैम और रोम बीच रे हमें आउ टिके जानिबा ओके होप सो ठीक इतो क्लास टा आउ पर हमें तार पर आउ थरे डिस्कशन ठीक है सर प्रभु।